टाइम चल रहा होता है स्कूल रियूनियन का, कांगवू की मुलाकात अपने फर्स्ट लव से होती है और उसे अपने पहले प्यार से कुछ खौफनाक यादें जुड़ी होती है, जिसकी वजह से वो ट्रॉमेटिक स्टेट में आ जाता है और फिर वही होता है जिसका डर था। बड़ी मुश्किलों से बचते बचाते वो जा पहुंचता है बाथरूम, लेकिन बाथरूम का इतना बुरा हाल होता है कि वो कंट्रोल करना ज़्यादा ठीक समझता है। तो भाई साहब स्लो मोशन में लुढ़क लुढ़क के अपने घर की ओर वो पैदल ही चल देता है, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आता है जब कंट्रोल की सीमा पार हो जाती है और फिर उसे परम आनंद का आभास होता है। लकीली यंसु उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। यंसु उसे कहता है, नो वरीज ब्रो, समटाइम्स शिट हैपेंस। यंसु का सबसे बड़ा भाई नाइट क्लब के बाहर पहले का वेट कर रहा होता है, तभी कांगवू की बड़ी बहन की वहाँ एंट्री होती है। वो थोड़ी अमीर रईस ज्यादा टाइप होती है, गलत फहमी में वो वॉन्जे को ही वैले समझ लेती है, बट गेस व्हाट, वॉन्जे की कार लिए तभी वैले वहाँ आ जाता है और वॉन्जे फुल एलिगेंस में उसे बोलता है, शो सम मैनर्स व्हेन यू पे। ली कांगवू वाज लाइक, व्हाट द फक डूड, हु आर यू टू लेक्चर मी। तो उस शर्मनाक इंसिडेंट के बाद कांगवू देर रात डॉक्टर ट्विन को विजिट करता है और अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि कई साल पहले जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था तब मैंने यंसु को प्रपोज किया था, लेकिन इन रिस्पॉन्स यंसु ने मुझे मोटा अगली और पता नहीं क्या 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 के रिजेक्ट कर दिया था। इस इंसिडेंट के बाद मैंने 4 दिन तक खाना नहीं खाया और फिर एक रात यंसु ने मुझे कॉल किया और मिलने के लिए मेरे घर का एड्रेस पूछा। मैं पूरी रात उसका वेट करता था लेकिन वो आई नहीं, इसलिए गुस्से और ह्यूमिलेशन में मैंने अपना फास्ट तोड़ दिया और इतना खाया जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया था। अब हुआ ऐसा कि अगले दिन पिकनिक ट्रिप पे मुझे कोई रेस्टरूम खाली नहीं मिला। मैं बहुत देर तक खुद को कंट्रोल करता रहा और फिर डॉक्टर ट्विन उसकी क्रिंज भरी स्टोरी सुन के काफ़ी सॉरी फील करता है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि कांगवू के इस डिसऑर्डर के पीछे असल रीज़न यंसु है। डॉक्टर ट्विन उसे एक्सप्लेन करते हैं, भाई तुम्हारी नज़र में यंसु एक परफेक्ट वूमन हुआ करती थी, इसलिए पिछले 15 सालों से तुम किसी और को डेट नहीं कर पाए हो, तो अगर तुम्हें ठीक होना है तो इस लड़की के साथ तुम्हें दोस्ती करनी पड़ेगी। कांगवू कहता है, उसको देखते ही तो मेरा पेट गड़बड़ हो जाता है, दोस्ती तो क्या घंटा ही करूँगा मैं उससे। बट काफ़ी गहन चिंतन के बाद वो सोचता है एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। वहीं स्कूल में इमिन अपनी पूरी दम लगा के यंसु को पटाने की कोशिश कर रहा होता है। उसे अच्छी तरह पता होता है कि यंसु एक नंबर की भक्कड़ है, इसलिए आउट ऑफ नोवेयर वो उसे स्नैकर खाने को दे देता है। यंसु उसे कहती है, अगर तुम उस फ्लावर पॉट वाले इंसिडेंट के चक्कर में ये सब कर रहे हो तो इट्स ऑल राइट, मैं नाराज नहीं हूँ। उसका जवाब रहता है, अरे नहीं, ये वाकई में बहुत टेस्टी है इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मुझे कहना पड़ेगा, ब्रो इम्प्रूव योर पिकअप लाइन्स यार। एजेंसी जाने के दौरान सियोजुन देखता है कि उसकी क्लासमेट जिसको यंसु प्राचीन काल से ढूंढ रही है वो बंदी फूड डिलीवरी कर रही होती है। वो तुरंत अपनी दीदी को उसका आता पता भेज देता है। लीजुई बोले तो बिल्कुल भी बाकी लड़कियों जैसी नहीं होती, आई मीन उसे सियोजुन की खूबसूरती से कोई अट्रैक्शन नहीं होता। वो उसको बोलती है, तू निकल, मेरे को मेरा काम करने दे यार। सियोजुन को ऐसे रिएक्शन की बिल्कुल आदत नहीं होती है, तो आप लोग भी समझ ही गए होंगे यही है वो बंदी जिसके साथ सियोजुन का अट्टा का बिड़ेगा। खैर नेक्स्ट डिलीवरी के लिए वो पहुंचती है पार्क में। ऑर्डर प्लेस करने वाली एक होमलेस गर्ल होती है जो कि ऊपर से नीचे तक फटी हुई हालत में होती है। इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है कि उसके पास नोटों से भरा हुआ एक बैग होता है और वो नासमझ महिला खुले आम उस बैग को लिए घूम रही होती है। अभी लीजू ही उसके बैग को देख चमक ही रही होती है, तभी यंसु सुपर फास्ट स्पीड में एंट्री लेती है। लीजू ही भागने की कोशिश करती है लेकिन यंसु के छोटे हाथी वाली स्ट्रेंथ के सामने वो नाकामयाब हो जाती है। पता चलता है कि लीजू ही की बड़ी बहन सारे पैसे लेके अपने लवर के साथ भाग गई है, इसलिए उसे फूड डिलीवरी करके गुजर बसर करना पड़ रहा है। यंसु कहती है, बस इतनी सी बात तो पहले क्यों नहीं बताया मेरे को। वो उसे अपने घर ले आती है और अपने स्पेयर रूम रहने को दे देती है। लीजू इसे पूछती है, आपको मुझ पर इसलिए दया आ गई क्योंकि मैं भी आपकी तरह अनाथ हूँ क्यों? यंसु कहती है, अरे नहीं यार, तुम एक अच्छी एथलीट हो इसलिए मैं तुम पे मेहरबान हूँ, ऐसी हर किसी पे दया नहीं आती मेरे को। उधर कांगवू अपनी ट्रोमेटिक डिसऑर्डर से काफ़ी परेशान चल रहा होता है लेकिन अब उसे ट्रीटमेंट मिल चुका होता है। वो होता है यंसु के साथ पीस अटेंड करना। पार्क से उसे पूछता है, लेकिन ये यंसु है कौन, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। कांगवू वॉज लाइक, अबे साले। यंसु के स्केच को देखते ही पार्क से को याद आ जाता है, ये मीकियन की दोस्त है। वो कांगवू से कहता है, यार दोनों बहुत ही चिपकू किस्म की महिला है, इनसे दूर ही रहना।
कांगो उसे कहता है एक डबल डेट फिक्स करो, मुझे उससे मिलना है। तो मीटिंग फिक्स होती है और चारों मिलते हैं डिनर पे। असल में कांगो इस प्लानिंग के साथ आया था कि आज तो मैं युनसियो को बता ही लूंगा। मोर ओवर उसे अपने हैंडसम चेहरे पे कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस था। कांगवो युनसियो को कहता है सॉरी उस रात रियूनियन वाले दिन मैं बिना बताए चला गया। युनसियो रिप्लाई में बोलती अरे काई को सॉरी, तुमने मेरे से कोई वादा थोड़ी ना किया था। फिर वो युनसियो को दूसरे टेबल पे अकेले बैठने को बोलता है। युनसियो क्यों इधर क्या प्रॉब्लम है? उधर उसकी दोस्त भी टेबल के नीचे से उसको इशारा करती है यहाँ से जाने को। अपने दोस्त के इंसिस्ट करने पे युनसियो उसके साथ दूसरे टेबल पे बैठ जाती है। कांगवो को लगता है लड़की भाव दे रही है, तो इसी गलतफहमी में वो युनसियो से कहता है 15 साल पहले जो तुमने मुझे रिजेक्ट किया था आई एम थैंकफुल टू दैट। युनसियो उसकी बातें ध्यान से सुन रही होती है, उसे लगता है कांगवो किसी इमोशनल स्टेट से गुजर रहा है। कांगवो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोलता है मुझे 15 साल लग गए खुद को बदलने में, 15 साल पहले मोटा होने के कारण तुमने मुझे रिजेक्ट किया था, तो क्या आप तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी? Hey, I'll come look at this. अगले ही पल युनसियो का विराट रूप देखने को मिलता है। वो गुस्से में बोलती तुम पागल हो क्या, अभी अभी तो हम मिले हैं, ऐसे मिलते ही कौन प्रपोज करता है। कांगवो को युनसियो की बातें तीर जैसी चुभ रही होती है, दोनों में लंबी बहस छिड़ जाती है और युनसियो उसे खूब खरी खोटी सुना के चलती बनती है। ये सारे इंसिडेंट कांगवो अपने दोस्त को बताता है। पाक्सो उसे सलाह देता है भाई तेरी अप्रोच ही गलत थी। कांगवो पूछता है कैसे? पाक्सो उसे ज्ञान देता है कि तुम्हें सबसे पहले एक्सपेंसिव कार परचेज करनी चाहिए, उसके बाद तुम्हें उसे महंगे महंगे गिफ्ट देने होंगे जब वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी, जब तुम ब्रेकअप कर लेना। कांगवो ये सोच सोच के खुश होता है। वो कहता है सही भाई लेट्स ट्राई दिस। वो दोनों तुरंत प्रभाव से पहुँचते हैं अर्बन मोटर्स। युनसियो का बड़ा भाई भी यही काम किया करता था और युनसियो अभी फिलहाल वसोली मोड पर होती है। असल में हर महीने वो अपने भाइयों से घर के खर्चे के लिए मनी कलेक्ट किया करती थी। जब कांगवो युनसियो और वोंजे को एक साथ देखता है वो उन्हें कपल समझ लेता है। उसकी आंखों के आंसू बस कुछ ही दूर पे होते हैं। पाक्सो कहता है यार इसका तो पहले से बॉयफ्रेंड है, वो भी इतना हैंडसम, तो कार परचेस करने वाला प्लान कैंसिल हो जाता है। कांगवो अभी भी युनसियो के बॉयफ्रेंड के बारे में ही सोच रहा होता है। वो कहता है युनसियो ने इतना हैंडसम बंदे पटाए कैसे। तभी पाक्सो को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। असल में उसकी कंपनी का मॉडल अक्सर लापता हो जाया करता था और सिर्फ पाक्सो को पता होता है कि वो कहाँ मिलेगा। असल में वो मॉडल एक गे होता है, तो उसको ढूंढने के लिए वे दोनों जा पहुंचते हैं गे बार में जिसका मालिक वोंसुक होता है। कांगवो जब उस बार में एंटर होता है तो राह चलते सारे लड़के उसे घूरना शुरू कर देते हैं। कांगवो मनी मन खुश हो रहा होता है। वो सोचता है उसके हैंडसम चेहरे पे लड़के भी फिदा है यार, उसे अभी तक ये नहीं पता होता कि वो एक गे बार में है। अब जैसा कि मैंने बताया था युनसियो आज वसूली मोड पे होती है, तो कोइंसिडेंटली इस समय वो अपनी दूसरी भाई से वसूली कर रही होती है और अनफॉर्चुनेटली कांगवो ने साथ में देख लेता है और अब वो सरप्राइज नहीं होता, उसे शॉक लग जाता है। वो सोचता है युनसियो क्या चीज़ें यार, उसके दो दो हैंडसम बॉयफ्रेंड है, ये कैसे हो सकता है। पाक से उसे शॉक देख ये समझ बैठता है कि ये ट्रॉमेटिक स्टेट में आ गया है, इसलिए वो उसे गले लगा के शांत करवा रहा होता है। तभी युनसियो उन्हें देख लेती है और ये समझ बैठती है कि ये दोनों गे हैं और रिलेशनशिप में है। लोल भाई गलतफहमी की हद होती है, मतलब माना कि ये गे बार है, यहाँ ऐसे लोग ही आते हैं, बट यार दो स्टेट लड़के भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कांगवो मरी हुई हालत में घर पहुंचता है और युनसियो के बारे में सोचते हुए बड़बड़ाता है क्यों आखिर क्यों, तुम दो दो लड़कों को डेट कर सकती हो तो मुझे क्यों नहीं कर सकती यार। ऐसे सिनेरियो में मैं हमेशा बाबा ली न्यांग को याद करती हूँ क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। तो उम्मीद करते हैं कांगवो भी इस दुख भरे मोमेंट से जल्दी निकल जाएगा। वही पार्क में एक्सरसाइज करने के दौरान युनसियो अपने फ्रेंड को बताती है यार वो दोनों तो गे निकले, यानी कि डबल डेट सब धोखा था। और फ्रेंड वाज लाइक क्या सच में? युनसियो को अब तो पूरा यकीन हो गया होता है सारे हैंडसम लड़के धोखेबाज होते हैं। तभी उसकी नज़र एक होमलेस लड़की पे जाती है जिससे उसकी मुलाकात आज सुबह ही हुई थी। वो उसे ऐसा अकेला बेचारा देख पूछती है तुम ठीक हो? उस होमलेस लड़की को युनसियो से पता नहीं क्या अलग ही प्यार हो जाता है। युनसियो के गुड जेस्चर के रिस्पॉन्ड में वो उसे अपना नोटों से भरा बैग ऑफर करती है। हालांकि युनसियो को पता नहीं होता इस बैग में क्या है, इसलिए वो उसे मना कर देती है, लेकिन अपना कॉन्टैक्ट नंबर वो उसके पास छोड़ जाती है ताकि कभी उसे हेल्प की ज़रूरत हो तो वो उसे कॉल कर ले।
सियोजुन अभी फिलहाल घर में अकेला होता है और सारे यंग सिबलिंग्स की तरह वो भी होता है एक नंबर का डरपोक। मतलब जब कभी भी वो घर में अकेला होता है उसे एनी टाइम भूतों का डर रहता है। अब चूंकि उसे पता नहीं होता कि उसकी दीदी आज ही एक नया फ्लैटमेट लेके आई है, इसलिए वो अकेले अकेले चिल आउट कर रहा होता है। तभी दरवाज़ा खुलता है और अंदर से एक गीली बालों वाली चुड़ैल बाहर आती है। सियोजुन तो वहीं पे बेहोश, आंखें खुलती हैं तो उसे सारा माजरा समझ आता है, लेकिन उसे ली जूही के साथ रहना मंजूर नहीं था। उसके अकॉर्डिंग वो एक फेमस आइडल है और अगर उसके क्लासमेट को पता चल गया कि वो एक लड़की के साथ रहता है तो उसका स्कैंडल निकलते देर नहीं लगेगी और फिर उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। यूनसे उसके इस बेतुके बात पे अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। फिर क्या होना था, बींग द डरपोक ब्रदर वो चुपचाप अपने कमरे में भाग लेता है। स्कूल में कांगू अपने कजिन ब्रदर ली मीन से मिलने गया होता है। वो उससे पूछता है, जिस स्कूल का तुम्हें डायरेक्टर होना चाहिए था वहाँ पे तुम डॉक्टर वाली जॉब काहे कर रहे हो? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। अगले ही पल कांगू की नजर फील्ड में पड़ती है और वो देखता है युनसी वहाँ बच्चों को प्रैक्टिस करवा रही है। इसके बाद पता नहीं उसको कौन सा भूत सवार हो जाता है, वो पूरे हॉलवे में जोर जोर से हंसते हुए चलना शुरू कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वाइस प्रिंसिपल अपने स्कूल के नए चीफ डायरेक्टर का वेलकम कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स द न्यू चीफ डायरेक्टर वाज नोबडी बट कांगू। तो असल में माजरा ये होता है कि स्कूल का नाम होता है शिनवा स्कूल और कांगू का जो फैमिली बिजनेस होता है शिनवा फूड का, यानी कि स्कूल भी उसके बिजनेस ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा होता है। बींग द एल्डर सन ऑफ द ग्रुप वो बहुत ही आसानी से स्कूल का चीफ डायरेक्टर बन जाता है। उसकी प्लानिंग ये होती है कि वो चीफ डायरेक्टर बन के युनसी को एक्सप्लॉइट करना चाहता था, मोर प्रिसाइजली वो अपना बदला लेना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। जब वो स्टाफ में बैठे युनसी से नज़र मिलाता है, युनसी उसे जान से मारने का इशारा करती है। ये भाई साहब यहाँ एक्सप्लॉइटेशन करने आए थे, लेकिन शायद कांगू ने गलत लड़की से पंगा ले लिया होता है। उसका पेट फिर से अपसेट हो जाता है और बहुत जल्द ही उसे बाथरूम की ज़रूरत पड़ने वाली होती है। तो गाइज ये था वीडियो का दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट के लिए कॉमेंट लिखना पार्ट 3 और होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो यार लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी उताकू बी नर्ड एंड थैंक यू सो मच गाइज़।